कौन है प्रांजल दहिया जो खूबसूरती और डांस में दे रही है सपना चौधरी को कड़ी टक्कर। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। प्रांजल दहिया का नाम आज हर कोई जानता है। हरियाणा में सपना को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रांजल दहिया ही। उनके डांस मूव्स और एक्टिंग में सपना चौधरी की भी झलक दिखती है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रांजल दहिया की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई। उनके 52 गज के दामन ने इंटरनेट में सनसनी फैला दी थी। लेकिन ये सब प्रांजल को इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने लंबा और कड़ा संघर्ष छोटी सी उम्र में किया। प्रांजल का जन्म 5 मई 2001 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ। प्रांजल दहिया बचपन से ही इनमें डांस करने व गाने को लेकर चुलबुलापन था। अपने 5 भाई बहनों में सबसे ज्यादा एक्टिव थी। प्रांजल दहिया की स्कूली शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डायनेस्टी इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद से की। उन्होंने सोच भी रखा था कि आगे चलकर उन्हें बड़ा कलाकार बनना है और अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रांजल बचपन से ही इस पर खूब मेहनत करने लगी थी। पिता एक बिजनेसमैन बताए जाते हैं। प्रांजल अपने स्कूल की काफी ब्राइट स्टूडेंट रही। स्कूल में होने वाले हर डांस व एक्टिंग प्रतियोगिता में ये भाग लेती थी। उन्होंने स्कूल के समय में डांस व एक्टिंग में काफी मेडल भी जीते थे। अपने डांस व एक्टिंग की बदौलत वो पूरे स्कूल में काफी फेमस हो गई थी। टीवी में कलाकारों को देख देख कर एक्टिंग करती थी। प्रांजल दहिया के करियर की शुरुआत कॉलेज टाइम से ही हो गई थी, जब उन्होंने टिकटॉक ऐप पर अपने वीडियोस डालने शुरू किए। शुरुआत में उन्हें इतनी अच्छी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कंटेंट में सुधार किया। प्रांजल देखते ही देखते टिकटॉक पर पॉपुलर हो गए। साल 2020 में भारत में टिकटॉक बैन होने के कारण उन्हें अपने लाखों फॉलोअर्स को खोना पड़ा। इंस्टाग्राम पर भी अपनी शुरुआत उन्होंने की, जहां वह अपनी मॉडलिंग के फोटोज अपलोड किया करती थी। वहां टिकटॉक जैसा कंटेंट भी इंस्टाग्राम पर देने लगी। इसके बाद वह यूट्यूब पर आए। यहां पर उन्होंने अपने डांस व सॉन्ग्स अपलोड किए, जिसे पब्लिक द्वारा खूब पसंद किया गया। इसके बाद उनके पास कई हरियाणवी गानों के ऑफर आने शुरू हो गए। इन्होंने 52 गज का दामन नामक गाने से अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री की शुरुआत की। उनके इस गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी और काफी हिट भी रहा। इसके बाद उन्होंने कबूतर ऊंची हवेली जैसे गानों में काम किया। आज प्रांजल के इंस्टाग्राम पर इनकी फैन फॉलोइंग की बात करें तो कई मिलियन की है। अपने खुशमिजाज व्यवहार के चलते यह अपनी काफी अच्छी लोकप्रियता बनाती जा रही है। सोशल मीडिया पर लिखिए हापुड़ हलचल और देखिए हमारी ये खास खबरें सिर्फ हापुड़ हलचल पर।